देखिए ये कारगिल शहीद शुक्रताल में है, जिला मुजफ्फरनगर। एक कारगिल शहीद कश्मीर में है। हिंदू पूरे हिंदुस्तान में दो ही कारगिल है, एक कश्मीर में और एक शुक्रताल। देखिए मैं इसके बारे में आपको ब्रीफिंग करता हूं। कारगिल में जो लड़ाई हुई थी वहां हमारे 527 जवान शहीद हुए थे, 500 के 527 जवान ऑल इंडिया में एवरेस्ट स्पोर्ट से शुरू है और घूमते हुए इस तरीके से ऐसे घूमते हुए लाश वाले पोर्ट पर जो है ना पूरे 527 हो जाते। हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो गाइस, आज मैं आ गया हूँ शुक्रताल में और यहाँ पर मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कारगिल स्मारक, जो पूरे भारत में सिर्फ दो ही जगह पर है, एक द्रास में कारगिल में और दूसरा शुक्रताल डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि एक टैंक रखा हुआ है। दरअसल जो ये आप टैंक देख रहे हैं ये पाकिस्तानी सेना का है, जो भारत की सेना के द्वारा कारगिल के युद्ध के समय उनसे छीन लिया गया था। ये आज यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इसके ही सामने मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कारगिल शहीद स्मारक गंगा घाट शुक्रताल मुजफ्फरनगर पे बना हुआ है। मैं आपको भी अंदर से दिखाऊंगा। अभी ये टैंक कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये देखिए आप, इसका जो गोला निकलने का गन है देखिए वो कुछ इस तरह से फेस किया हुआ है और ये इस तरह का पाकिस्तानी टैंक है। ये है कारगिल स्मारक गंगा घाट शुक्रताल मुजफ्फरनगर, जिसका मैं आपको बता रहा था। देखते हैं यहाँ की गेट अगर ओपन है तो अंदर चलते हैं, अगर गेट ओपन नहीं होंगे तो फिर देखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे गेट खुले हुए हैं जो शहीद स्मारक है वहाँ के। अब चलते हैं शहीद स्मारक के अंदर और आपको दिखाते हैं शहीद स्मारक किस तरह से यहाँ पे उनका नाम अंकित किया गया है पत्थर के ऊपर, जो शहीद हुए थे हमारे देश के वीर जवान। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पे कारगिल वीर बलिदान स्मारक शुक्रताल में। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो बने हुए हैं प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है वो शहीद आजम भगत सिंह जी की बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा को बनाया गया है। एक संस्था है राष्ट्रीय सैनिक संस्था, जिसका एक मुजफ्फरनगर में इकाई है, तो उनके द्वारा इसका स्थापना यहाँ पर कराई गई है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, उनकी मूर्ति को भी, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए नेताजी भी यहाँ पर हैं विराजमान। जो ये शहीद स्मारक है इसका जो अनावरण किया था वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा 2004 में हुआ था, जिसको आप यहाँ पर लगी हुई शिला पटिका से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये अब आप जो देख रहे हैं ये स्वामी कल्याण देव जी महाराज हैं। स्वामी कल्याण देव जी महाराज, ये देखिए स्वामी कल्याण देव जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। इनका अनावरण भूपेंद्र हुड्डा, जो माननीय मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके द्वारा किया गया है। ये देखिए ये आप जानते हैं कि ये सुखदेव जी हैं और ये राजगुरु जी और ये श्री चंद्रशेखर आजाद तिवारी, चंद्रशेखर आजाद जी ये हैं। अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे बाबा जी एक रहते हैं तो वो हमें यहाँ की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बताएंगे। यहाँ पे जो ये बना था कब बना था और किनके द्वारा बना था, तो चलिए अंदर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। देखिए ये कारगिल शहीद शुक्रताल में, जिला मुजफ्फरनगर। एक कारगिल शहीद कश्मीर में है,
पूरे हिंदुस्तान में दो ही कारगिल है, एक कश्मीर में और एक सुकरताल। देखिए मैं इसके बारे में आपको ब्रीफिंग करता हूं। कारगिल में जो लड़ाई हुई थी वहां हमारे 527 जवान शहीद हुए थे, 500 के 527 जवान ऑल इंडिया में एड्रेस इस बॉर्डर से शुरू है और घूमते हुए इस तरीके से ऐसे घूमते हुए लाश वाले पट पर जो है ना पूरे 527 हो जाते। ये मैप उसी जगह का है, ये लिखा है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ये बॉर्डर लाइन है, टाइगर हिल पहाड़ी है, जहां जहां दादा निशान है यहाँ पर दुश्मन ने अपना कब्जा जमा लिया था, इसके साथ घमासान युद्ध हुआ, इसको प्रेरित किया। सबसे ज्यादा जबरदस्त जो लड़ाई हुई है वो है कोलोवर पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है देखिए, ये कोलोवर पहाड़ी है, सीधा कट पहाड़ है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, ऊपर बर्फ की चोटी है। हमारी सरकार बोली सामने से हमला करो, हमारे जवान सामने से हमला करते रहे और लगातार शहीद होते चले गए। अगर ऊपर से पत्थर भी पड़ता गोली का काम करता रहा, जब लगातार शहीद होते चले गए तो हमारे थल सेना जनरल साहब ने बोला कि इस LOC को पार करने का आदेश दें तो इसे 10 मिनट में कवर कर जाएं। लेकिन सरकार की मजबूरी थी, LOC को पार करने का आदेश नहीं दे सकते थे। हमारे जवान हिम्मत न हारते हुए लगातार सामने से हमला करते रहे और इस 10 मिनट के मिशन को 8 मई 1999 में कामयाबी पाई। उसके बाद चंदनडेल में ये जहां खून खच्चर हुआ था वहां से ये पत्थर दबा करके लाए और इनकी आत्माओं को शांति देने के लिए इकट्ठे समाज में लगाए। ये ऊपर हमेशा हमेशा के लिए राइफल से सलामी दी गई। यहाँ पर जो है सागर लोग आते हैं और नमन करते हैं। अगर हमारे देश का असली मान और सम्मान और जो हमारा असली मंदिर है तो ये है मानो या न मानो। माता की जय, माता की जय। हमारे वीर बलिदानी अमर रहे, अमर रहे। हमारे वीर बलिदानी अमर रहे, हमारे वीर बलिदानी अमर रहे। तो गाइज आप फिलहाल जो देख रहे हैं शिलापट, इन शिलापट में नामांकित है उन सभी जवानों का जो जवान भारत की तरफ से लड़े और कारगिल के युद्ध में विजय प्राप्त कराई भारत को और अपने जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखा। तो आप इन सभी जवानों के नाम यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किन किन जवानों ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को ये जो मेरा शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था ये अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को ये मेरा शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय।